खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों के नेता तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में उन प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी जो किसानों को भेजी जानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसान एमएसपी और एपीएमसीटी पर किसानों की बात मान सकती है। सरकार एमएसपी लिखित भरोसा देने को तैयार है, साथ ही किसानों पर दर्ज केस भी वापस ले सकती है। सरकार पराली और बिजली अध्यादेश भी वापस लेने के लिए तैयार है। इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। राकेश टिकैत ने कहा, हम अपनी बैठक में रणनीति बनाएंगे और उनके प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये उनके सम्मान की बात है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेगी? क्या अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद्दी है तो किसान भी है, कानून वापस लेना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के साथ एक बैठक की और सरकार की मंशा से वाकिफ करा दिया कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार किसानों को आज एक लिखित प्रस्ताव दे सकती है जिसमें संशोधन की बात होगी।